एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठो उठो उठो, आइए, स्वागत है खुशामदीन, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप, दुकान पर आइए, दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है। हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूँ सस्ता, गुड़ और मुफ्त में। ये भी रखा पैसे बाद में, कोई जरूर नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, पैसे बाद में, कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा। ये आया, मांगा, जलाया, फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चट्टा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धौंस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो, मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूं और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो अरे बैठो मालिक, बैठो, नाराज हो गए क्या? लो, लो। अरे हड्डियों के साथ साथ सांस का धागा भी टूट गया, मैं भरी जवानी में जा रहा हूँ। ए भगवान, स्वर्ग का फाटक खोल ले मैं आग। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो मजाक किया था, ये तो उल्टा ही हो गया। रवि रवि, मुझे डर लग रहा है। रवि तुम्हारा दिल धड़क रहा है कि नहीं? रवि आंखें खोलो रवि। क्या तुम मुझे डरा रहे थे? धोखी बाज मकान 420, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ललिता? हे भगवान, ललिता और वो हरामजादा, सुनते हो जी? अरे हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आप सिर्फ बहरे नहीं, गूंगे भी है, बुजदिल है, डरपोक है, यानी कि बिल्कुल नकम्मे हैं आप। खामोश, मैं मार खाए आदमी से गालियां नहीं सुन सकता। अरे गालियां क्या, अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी। उन सब भक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली, आपकी दुकान बंद करवा दी। अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के यानी के यानी के जनाजा निकल जाए। कितना यानी के जनाजा निकल जाए। तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं। तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा, और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चकरा के गिर जाएगा। मेवालाल आया बापू, आया आया आया। तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है, क्या खुशखबरी लाया है, इसी बात पे 100 रुपया इनाम। आप और इनाम? या तो आप पागल हो गए, या फिर ये वो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, या फिर ये पैसे नकली है। असली है। और सुन, अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा। नहीं। और 2.5 रुपए इनाम में भी दूंगा। 2.5 रुपए? जा ऐश कर। अरे मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। हंसी नहीं तो और क्या करूँ। श्रीमान जी, अभी तो सिर्फ तुम्हारे भाभी ने शादी से इनकार कर दी है। तो इतनी सी बात पर घबरा गए? अरे आगे आगे देखो होता है क्या, अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा, वो कहेंगे रवि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर मेरे बापू सुनेंगे, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे, बोलेंगे बंदर लेखा तूने किस पाप के घड़े को जन्म दिया। फिर गांव में बात फैलेगी, घर घर में कानाफूसी होगी, पंचायत बैठेगी, बहुत हंगामा होगा, तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी। इतना सब कुछ फट जाने के बाद भी हमारी शादी होगी? माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या? तुम्हें लड़की होना चाहिए था, लड़का बना दिया। होगी होगी जरूर होगी। तेरी गंगा में
अरे क्या करता है? अरे बंदर हो गया क्या? अरे मेरी इतनी हिम्मत, मेरी पपी ले रहा है? अरे क्या कर रहा है? सूखे धनिये की तरह कुचल कुचल कर बदनाम कर रहा है। अरे बाबा चिल्लाओ मत। अरे क्या चिल्लाओ मत, ये हराम का कद्दू मेरी बेटी को बाप की तिजोरी समझ के चिमटा हुआ है और तुम कहते हो चिल्लाओ मत। मेरा खून सोने की तरह उबल रहा है और आप कहते हो चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। अरे ओ चांडाल, अगर ये लोग तुझे कुछ नहीं कहते तो ना सही, मगर मैं अपनी बेटी का तो खून कर सकता हूँ। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चूटियों को तो खिला सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। क्या करो, पागल हो गए? पागल हो गया हूँ क्योंकि बदनाम हो गया हूँ। मेरी इज्जत पुराने मकान की तरह नीलाम हो गई है। कहाँ गई वो? अच्छा, उसको तो तुमने बचा लिया, मगर मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जान ले डालूंगा। जीजा जी, आपका तो ठीक है, यानी कि मेरा मतलब है मेरी बहन का क्या होगा जो विधवा हो जाएगी। अच्छा तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर जो बदनामी का गोबर फूट गया है, मेरी बेटी ने जो पोत दिया है उसको कौन साफ करेगा? मिलावट राम, चीखना चिल्लाना बेहूदापन है। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारी दुकान पे, गांव की पंचायत में। वाह वाह वाह, अच्छा पता बताया इंसाफ के लिए। अरे भाई, जिसका भाई खुद पंचायत का सरपंच हो वो क्या इंसाफ करेगा, यानी कि वो तो इनका पत्ता साफ करेगा। आप लोगों ने अभी विजय को पहचाना नहीं है। इंसाफ करते वक्त तो हर संबंध, हर रिश्ते को भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। ये किसका है? आपका है। अब चलिए हमारे साथ, हम इंसाफ दिलवाएंगे। देखा आपने, इस एक सरकारी भंडार के खुलने से गाँव का कितना भला हो गया, हर घर सुखी हो गया, महंगाई खत्म हो गई, मिलावट खत्म हो गई। और साथ में मिलावट राम भी खत्म हो गया, उसकी इज्जत में बदनामी की झाड़ू फिर गई। यहाँ सहकारी भंडार खोल दिया, वहाँ मेरी बदनामी का भंडार खोल गया। क्या हुआ, क्या बात है? अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे नहीं बोला जा रहा, मेरे को चक्कर आ रही है, इन लोगों से पूछिए। अरे बोला ना, चुप क्या करो। बात यह है चौधरी जी, इनकी बेटी और अपने गांव का एक लड़का एक दूसरे को चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है बात करने का। इनकी बेटी और गांव का एक लड़का एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अबे सासु क्यों नहीं बताता, इनकी बेटी को उस लड़के ने बहला फुसला कर क्या क्या कर डाला। अब तो इनकी बेटी को कोई अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देगा, यानी कि बहू बनाना तो दूर की बात है। मुझे पहले ये बताइए कि वो लड़का कौन है जिसका इस मामले से संबंध है। अरे नाम सुनोगे तो कलेजा फट के यानी के कुचले हुए कांच की तरह बिखर कर रह जाएगा। हाँ। मैं कहता हूँ नाम बताओ। जी वो आपका छोटा भाई है चौधरी साहब। मेरा भाई? क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, हम सबने देखा है। रहीम चाचा, इस कुर्सी पर बैठिए। मैं आइए बेटे, आइए ना, आइए आइए बैठिए। ये मामला मेरे भाई से संबंध रखता है, इसलिए मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छे, जब मेरे बेटे की बारी थी उस वक्त कुर्सी पर जमकर बैठे थे, अब अपने भाई की बारी है तो कुर्सी छोड़ कर जा रहे हो, यानी कि सबको पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े धर्म अधिकारी हो। मैं इस कुर्सी पर बैठकर जो भी फैसला सुनाऊंगा वो लाला जी को मंजूर नहीं होगा। अरे तुम बैठ कर फैसला करो तो सही। अच्छा मैं उसको कुर्सी से उतारने के चक्कर में तू कुर्सी पे बैठा चला जा रहा है। जाइए आप, कुर्सी छोड़ दीजिए।